अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है अलहयात जिंदगी के जो हमारी डेली लाइफ है उससे रिलेटेड। अच्छा अशर नहीं, यूँ करें आप पहले गुफरान और हाशिर आप ये पढ़िएगा। ये तारिक वाला गुफरान पढ़ लें और तारिक ताहिर वाला हाशिर। भाई मेरा मतलब 2 वीक से नहीं क्लास किए थे, एग्जाम था इसलिए। अच्छा, आप अभी लेकिन काट सकते हैं? नहीं, ये समझ में नहीं आया अभी। ये तो हमने चैप्टर ही नया लाइक अगर आप वैसे ही बिजी हैं वो उसका चैप्टर का मार्च ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप पढ़े तो साथ-साथ इसको ट्रांसलेशन कर देंगे। जी ठीक। मती तस्तीकितु होगा, क्या होगा? मता जब भी जो ये जब ये या होती है ना, इसके नीचे अगर तो 2 नुक्ते हों फिर ये या पढ़ी जाती है, अगर इसके नीचे नुक्ते ना हो फिर ये अलिफ पढ़ा जाता है। जैसे आप देखें जी मता इसको मूसा पढ़ेंगे। मूसा क्यों? क्योंकि या के नीचे 2 नुक्ते नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें ये जो या है इसके नीचे 2 नुक्ते नहीं है, लिहाजा ये मती नहीं बल्कि मता पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, पढ़िएगा मता तस्तयकिदू इस्तयकिदू इंदल फजर। जी पढ़ते जाइए। आइना तुसल्लिल फजर सल्ली फजर फिल मस्जिद हल तनामु बाद अस्सलाह ला अनामु बाद अस्सलात माज़ा तफ़अलु बाद अस्सलाह क़राउल कुरान। जी हो गया। वमता तज़हबु इला मदरसा अज़हब साअतु सबअ हल तज़हबु बिस्सय्यारा ला अज़हबु बिलहाफ़िला। अच्छा ये देखना आप इसमें क्या मता तस्तयकिदू। अब जो तारिक है वो ताहिर से पूछते हैं कि आप कब उठते हैं, जिस पर जो ताहिर है वो जवाब दे रहे हैं अस्तयकिदू इंदल फजर, कि मैं फजर के वक्त सुबह उठता हूँ। तारिक कहते हैं ऐना तुसल्लिल फजर, कि आप फजर की नमाज कहाँ पढ़ते हो, जिस पर वो कहते हैं उसल्लिल फजरा फिर मस्जिद, कि मैं फजर मस्जिद में पढ़ता हूँ। हल तनामु बाद सलात, तनामु यानी आप सोते हैं। वो पूछते हैं क्या आप नमाज के बाद सोते हैं, जिस पर ताहिर जवाब देता है ला नहीं, ना अनाम बाद सलात, मैं नमाज के बाद नहीं सोता। मादा तफ़अलु बाद सलात, आप नमाज के बाद क्या करते हैं? जिस पर ताहिर जवाब देते हैं अक़राउल कुरान, कि मैं नमाज के बाद कुरान पढ़ता हूँ। अब ये जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की, एक ये देखें फिल मस्जिदी, ठीक है, कि जो जब ये फी आएगा इसके बाद जो इसम है उसके आखिरी हरफ के नीचे जेर आएगी, यानी अब फिल मस्जिदी मस्जिदा नहीं है। और सेकेंडली ये देखें अकरा उल कुराना, कि जो भी मफूल है, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमेशा मफूल मंसूब होगा, उसके ऊपर हमेशा जबर होगा। अकरा उल कुराना व मता, और कब तज़हबू इलल मदरसा, और तुम मदरसे कब जाते हो? जिस पर ताहिर जवाब देता है अज़हबू साअत साबिया, इसको आई थिंक आशिर ने सबा पढ़ा था। अच्छा माजरत, अच्छा ये इसकी भी चूंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये जो सबा है वो 7 को कहते हैं और साबिया जो है वो 7 को कहते हैं। हल तज़हबू बिस्सयारा, तो क्या आप बस गाड़ी से जाते हैं? सयारा कहते हैं गाड़ी को। वो कहते हैं ला अज़हबू बिल हाफिला, नहीं बल्कि मैं बस के जरिए जाता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे आज शबीर और अशर। जी अशर आप पढ़ सकते हैं? जी पढ़। ठीक ठीक, शबीर आप पढ़ लें तारिक वाला, और अशर पढ़ लेते हैं ताहिर वाला। सही। अस्सलाम वालेकुम। मता तस्तकीज़ू 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 सिर्फ करना। जी कर दे। आयना तुसली अल फजर, आप फजर की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, फजर की मस्जिद में, फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ। हल तनाम बादुल सलात, ला ला अना बादुल सलात। अच्छा साथ इसमें ट्रांसलेट करना था कि क्या आप नमाज के बाद सो जाते हैं? जी क्या आप नमाज के बाद सो जाते हैं? मैं नहीं सोता। मास तफल तफल्लु बादुल सलाती, उसके बाद आप क्या करते हैं नमाज के बाद? आप तफलु नमाज के बाद आप क्या करते हैं? ये वाला पढ़ना आपने। अच्छा अक़राउल कुरान व मती तहज़बू अली अल मदरसा, साथ तर्जुमा कीजिएगा अशर इसका। क्या इसका साथ तर्जुमा भी कर दें? मैं नमाज के बाद कुरान पढ़ता हूँ। अच्छा ये अगर आपने किसी आपने मुझे कहना हो कि आप कुरान पढ़ते हैं तो आप कैसे कहेंगे? तक़राउल कुरान। जी जबरदस्त। और अगर आपने किसी थर्ड पर्सन बारे में कह रहा हो कि वो कुरान पढ़ता है, फिर कैसे कहेंगे? क्या किसी मेल के बारे में कहना हो कि वो कुरान पढ़ता है, मेल यानी मर्द। यकरा तकरा तुम यकरा जी बिल्कुल, यकराउल कुरान, ठीक, जबरदस्त हो गया। चलें आप आगे चलें। वमती तहजबू अली अल मदरसा मदरसू नहीं, इसको मदरसा आपने क्या पढ़ा है अभी शुरू में? आप व बताया मता, वमता या के वमता नीचे अगर दो नुक्ते ना हो फिर वो वमता अलग पढ़ा जाता। वमता। हाँ जी, सर इसकी ट्रांसलेशन तो कीजिएगा, इसका मेरे नहीं आ रही मुझे ट्रांसलेट। मता का और जब भी टाइम के लिहाज से या जमाने के लिहाज से पूछते हैं तो उसके लिए होता है मता। व मता और कब, ओके, आप कब मदरसे से वापस आते हैं? तजहबू जाते हैं। जाते हैं। आप मदरसे कब जाते हैं? जी। हेलो। जी अशर, इसका जवाब दीजिएगा। आपने क्या कहा है? ये वाली लाइन पढ़िएगा। जी अशर, ये लाइन ये वाली पढ़िएगा। असहब उसामा असहब दोबारा पढ़िएगा। असहब उसामा अ- अ- ये अजहबु असहब अस्साअता, ये आइन है, मीम नहीं है। साअता अस्साअता साबिया, साबिया साबिया जी 7 बजे। हम्म, ये 7th है क्या? साबिया, यस, क्या कह रहे हैं आप? 7। ओके तो यही अगर आपने कहना हो कि मैं 4 बजे जाता हूँ तो किस तरह कहेंगे? जी शुक्र, आप बता दें। अगर हम ये कहें कि हम 7 बजे मैं जाता हूँ। जी, ये 7 बजे तूने लिखा हुआ है ना, आपने कहना है कि मैं 4 बजे जाता हूँ। तो अजहब सात अल साबिया, मैं नहीं 4 बजे जाता हूँ। नहीं, 7 बजे तो 7 को कहेंगे ना, 4 को क्या कहेंगे? 4 को हम्म, राबिया। राबिया, जी जबरदस्त। और 6 को सही, आई थिंक सादिशा, सबा सादिशा स, जबरदस्त। सबा। अच्छा ठीक, आप आगे बढ़िएगा। हल त जब्बू बिल सियारा, हल तजब्बू बिल सियारा, क्या आप सियारा गाड़ी से जाते हैं? هل تذهب بالسيارة؟ لا जी अच्छा, जवाब أذهب दीजिएगा। بالعجلة، لا أذهب بالحافلة. जी अशर, जशबीर, आप इसका आंसर भी पढ़ लें। जी सर रिपीट कीजिएगा, आपने कुछ कहा बिलहाफिला बिलहाफिला। नहीं, मैं बस से जाता हूँ। ठीक, अच्छा ये जो बा है ना बिलहाफिला, जी जी ये लिख क्यों नहीं रहा? ये होता है साथ के माने में, आप जब भी कोई चीज कह रहे हैं कुछ के साथ की बात के लिए इस चीज के, ठीक है। आप जैसे वो कहते हैं मैं गाड़ी से जाता हूँ, यानी वो गाड़ी के मतलब बात कर रहा है कि उसको वो इस्तेमाल करके उसके लिए जाता है। वो क्या कह रहा है कि बिलहाफिला बिलहाफिला बिलहाफिला। जैसे यहाँ पे ऊपर इसने भी एक और भी ये देखिए बिस सयारा, यानी जब भी आप किसी इस तरह चीज का जिक्र कर रहे हैं कि आपने उसके इस्तेमाल ये ठीक उसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके साथ वो चीज इस्तेमाल करते हुए, तो उसके साथ जुमले में ये क्या आ रहा है बी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ठीक है। आप क्या कहेंगे? अलकलम अक्तबू बेकलम, ठीक है। यानी आप अलिफ लाम लगाते हैं वो बेहतर अक्तबू बिलकलम, यानी ये बी बिलकलम उस चीज का माना दे रहा है कि उस चीज के साथ वो जो उनसे काम किया जा रहा है, राइट, ठीक है, ठीक है। इसी तरह वो कहता है अलताफाबू बिस सयारा, यानी ये जो बी है ये उस चीज के इस्तेमाल का माना है। हाँ। ये अब देखें, ये अब इनने ये जो हमने इसके अंदर वोकैबुलरी पढ़ी है उसकी सारी उन्हें ये लिखी है। अब ये देखें वो जब सो रहा है तो उसके सोने का क्या है या नाम है। वो उठता है यस तय की दो, मैं उठता हूँ अस्तई की दो, आप उठते हैं तस्तई की दो, ठीक है। वो जाता है यज़हब 7 बजे को अस्साआ, साआ वक्त को भी कहते हैं, ठीक है, उस घंटे को भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 7 o'clock तो अस्साआ तो साबिया, ठीक है। सयारा गाड़ी को कहते हैं, हाफिला बस को कहते हैं, मदरसा स्कूल को कहते हैं, मदरसा मदरसा स्कूल, ओके, राइट। अच्छा ये जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़े हैं ना, ये अब उनसे रिलेटेड सारे सवाल जवाब हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें दो चीजें, एक तो मैं एक एक करके नाम लेता जाता हूँ और जवाब देते जाएं, और नंबर 2 मैं सवाल सिर्फ उनको पूछूंगा जिनका माइक अनम्यूट होंगे, जिनका म्यूट है उनको फिर मैं सवाल नहीं पूछूंगा। जो भी पार्टिसिपेट सारे म्यूट करें। इसमें गलती होती है, एक बार के बजाय 10 बार हो जाती है, कोई इशू नहीं, गलती से ही हम सीखते हैं। एक कोई गलती करता है उससे बाकी भी सीखते हैं, इनको भी मौका मिलता है। मसाइल ये देखें, ये पिछले जब शुरू हुआ है हमने उसमें पढ़ा मता, ठीक है। अब क्या है कि इसको किसी ने पढ़ा था मती, अब वो पढ़ा तो उस वजह से बाकी सब के नॉलेज में इजाफा हो गया। जब मैंने बता दिया ये मती नहीं बल्कि तब होगा अगर यहाँ पे 2 नुकते होंगे, ठीक है। इसलिए गलती में कोई भी ये चीज नहीं होती कि एम्बैरसमेंट यार पता नहीं क्या हो जाएगा, बल्कि गलती से ही सीखा जाता है। ज्यादा उस चीज से कोई शाये होने वाली बात नहीं। हम सब जो उनसे स्टूडेंट्स हैं, जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने माइक अनम्यूट कर लें, बाकी फिर जिसका म्यूट होगा वो इसमें कोई किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। जी शबीर, और नंबर 2 ये कि अगर आप नहीं समझ आती तो आप बता दें, मैं उसका तर्जमा भी कर दूंगा, ठीक है। आप पहले उस पर खुद गौर करें, उस पर राइट। सोचने की कोशिश करें, अगर समझ आ जाता है जबरदस्त, नहीं आता फिर मैं आपको तर्जुमा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद उस पर एक बार कोशिश करें, अल्फाज का लहरा लहरा तर्जुमा करें, ताकि आपके अंदर वो वाली जो सी सलाहियत है वो भी पैदा हो। ठीक। शबीर, मैं यस्तयकिज़ु इंदल फज्र, इसका तर्जुमा भी कर दें और फिर इसका जवाब दे दें। मीन आप कब उठते हैं? अल-फजर कब? कौन? सॉरी, कौन 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 उठता है? तारक कब? ओके। मन यस्तयू अंदर फजर, फजर के टाइम कौन उठता है? मैं यस्तयकिज़ु इंदल फजर, तो फजर के बाद कौन उठता है? फजर के बाद कौन उठता है? पता? तारिक, ताहिर। जबरदस्त, ठीक। अच्छा जी, आगे आ जाए। फैसल, अयना युसल्लिल फज्र। अच्छा, वो म्यूट कर दें। हाशिर, हाशिर, इसका तर्जुमा कीजिएगा। अयना युसल्लिल फज्र, मस्जिद। अच्छा, ये जो सवाल है ना, सवाल का आप उर्दू तर्जुमा भी कर दें साथ। कहाँ वो पढ़ता था फजर? हाँ, वो पढ़ता है था नहीं, क्योंकि ये मुजारे का, ये प्रेजेंट। अच्छा, हाँ, आता है पास्ट के लिए नहीं। ओके, ठीक। फैसल, पहले आप इसका जो उनसे तर्जुमा कर दीजिएगा। हल यनामु ताहिरु बाद सलाती। हल बनामु जाहिर बाद सलाती। नहीं समझ में आएगा इसका क्या है। सर मैं बताऊं, हल यनाम ताहिर, क्या ताहिर सो जाता है बाद सलावात, नमाज के बाद? क्या ताहिर नमाज? अच्छा, आपने देखो उसका तर्जुमा सही किया है, लेकिन इसमें दो चीजें, तो ये सलावात है, सलात। ओके, नंबर 2 यनामू, यनामू पेश पड़ी हुई है, पेश है यनामू। जी, जवाब दीजिएगा। यनामू ताहिर बाद सलात ला। ये जाहिर मतलब नाम है, ये जाहिर ताहिर। अच्छा, ताहिर, जी, ताहिर नाम है। अच्छा, हल नाम ताहिर, ताहिरुन बाद सला नाम ला। नाम नहीं यार, ला। ये देखें, नहीं मैं सो जाता हूँ ना, तो मैं अपने बताया था। नहीं, ये ताहिर के मतलब जो उनसे उसने सवाल पूछा है, ये देखें। तारिक तनामु बाद सलाती, और ताहिर जवाब देता है ला ला अनामु बाद सलाती। अच्छा, ये मैंने देखा नहीं था ना, मैं लेट ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, ठीक। अच्छा फैसल, अब आपने इसका जवाब देना, पहले इसका तर्जुमा कीजिएगा। माज़ा यफ़अलु फ़अल, क्या वो नमाज के बाद क्या करता है? जबरदस्त, माशाल्लाह जी। इसका जवाब दीजिएगा। वो क्या करता है? अब ये तो मुझे पता नहीं, मैं वैसे ही बताऊं आपको। मैं आपको उर्दू बता रहा हूँ, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। वो नमाज के बाद कुरान पढ़ता है। वो कुरान पढ़ता है, ना। यकराउल कुरान बाद सलाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, ठीक। आगे आ जाए हाशिर। متى يذهب إلى المدرسة؟ يذهب إلى المدرسة الساعة السابعة. الساعة السابعة ما شاء الله زبردست. ठीक है كيف يذهب؟ ويذهب بالحافلة. بالحافلة كيفा का क्या मतलब है? कैसे? कैसे ठीक है जैसे हम पूछते हैं कैफा हालू का आपका हाल कैसा है इसी तरह कैफा यज़हबू वो कैसे जाता है ठीक मता तस्तयकिनु अंता मैं बताऊं जी आप बता दें अना अस्तयकिनु फी साअतु सादिसा इस साथ है सादिसा सादिसा माशाल्लाह फैसल आप भी इसका जवाब दीजिएगा नहीं मुझे समझ में नहीं आया मता मता क्या होता है कब कब मता तस्तकीज़ु अंता मता का मतलब क्या बताया था आपको मैंने मता का मतलब कब बताया आपने कब आपने ठीक है जब भी आप ज़माने के मुतालिक सवाल कर रहे हैं तस्तयकिज़ू आप जागते हैं अच्छा अंता आप ठीक है तो आप इसके अपने मुतालिक जवाब दीजिएगा अच्छा अस्तयकिज़ू बिल फज्र अच्छा एक तो है अस्तयकिज़ू ठीक है अस्तयकिज़ू नंबर 1 नंबर 2 ये है कि बिल फज्र नहीं होगा यानी फज्र के साथ यानी आप उस वक्त उठते हैं ना जी इंदल फज्र हाँ जी और अगर आप टाइम बताना चाहते हैं फिर आप डायरेक्ट टाइम बता रहे हैं अस्तयकिरू अस्साअ सादिसा यानी फी नहीं उसमें लगेगा यानी आप उस टाइम के बीच नहीं उठ रहे यानी आप उतने बजे उठ रहे हैं ठीक है हाशिर तो इसमें आप फी नहीं यूज करेंगे अच्छा अच्छा फैसल आप इसका जवाब दीजिएगा अय्ना तुसल्ली फज्र आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं अय्ना तुसल्ली उसल्ली अल फज्र नहीं मैं घर पे पढ़ता हूँ ना मैं घर पे पढ़ता मस्जिद मैं इसका बताऊं उसल्ली बिल फज्र उसल्ली अल फज्र इंदल नहीं में फी मस्जिद फिल मस्जिद हाँ जी जबरदस्त फिल मस्जिद ठीक मादा तफअलु बादा सलातिल फज्र मादा कब तफअलु मादा कब नहीं क्या क्या अच्छा अच्छा मता मतलब कब होता है माजा मतलब क्या मता तफअलु फाल बाद सला आप फजर की बात क्या करते हैं हाँ जी जबरदस्त माशाल्लाह क्या जवाब है इसका